देखिए जैसे कि प्रोफाइल में ऊपर एकदम से लिखा हुआ आ रहा है शोइंग योर कॉन्टैक्ट इन्फो इज ऑलवेज योर चॉइस, मुझे लिखा हुआ आ रहा है रिव्यू योर सेटिंग्स। तो भाई मन में आ रहा हो आपके कि भाई ये क्या है, इसका क्या मतलब है, क्यों लिखा हुआ आ रहा है, सब कुछ मैं आज वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। तो आपको कहना वाला वीडियो में एंड तक बनना है, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। तो देखो भाई इसका मतलब ये है कि जब आप अपने अकाउंट में कॉन्टैक्ट बटन ऐड कर देते हो, मीन्स कॉन्टैक्ट बटन ये रहता है आप अपने ईमेल को या फिर फ़ोन नंबर को, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ को आप ऐड कर देते हो जिसके थ्रू अगर किसी को भी आपसे कॉन्टैक्ट करना है तो वो ना कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो कॉन्टैक्ट बटन यहाँ पे आता है आपको मोबाइल में, जैसे कि ईमेल लिख रहा ना वैसे यहाँ पे फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो यहीं पे आ रहा है, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई अभी आपके ऊपर है कि आपको इनेबल करना, मतलब चाहते दूसरों को दिखे या नहीं दिखे। तो बता रहा है योर इन्फो इज विजिबल टू एनी वन हु टैप्स द बटन विच कैन लीड टू अनवांटेड और इनअप्रोप्रिएटेड कॉन्टैक्ट। इसमें ये बता रहे कि भाई जो कॉन्टैक्ट बटन ऐड करना वो अच्छे से आप और लोग आपके प्रोफाइल तक पहुंचेंगे, पर आप दिखा रहे हो इन्फो इज विजिबल टू एनी वन, मतलब जो भी आपके यहाँ पे मोर पे क्लिक करेगा ना उससे आपका कॉन्टैक्ट वाइज शो होगा। जैसे आप रिव्यूअर सेटिंग्स पे क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे कुछ नहीं भाई, यहाँ पे जो सेटिंग्स है ये इनेबल। तो ये बोल रहा है कि अगर भाई आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको लोग परेशान कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कि इनअप्रोप्रिएट लोग, मतलब कि जिन्हें कोई काम वाम नहीं था फालतू में आपको परेशान कर दिया, फिर लोग आपको भाई नंबर वंबर फालतू में कॉल वगैरह करें। देखो इसका सोल्यूशन ये है कि जैसे कि भाई आपने बिजनेस अकाउंट अगर करा तो आपको बिजनेस से रिलेटेड अगर कॉल है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आपको ना क्या करना है कि आपको अपना पर्सनल नंबर नहीं देना, यहाँ पे आपको ना अलग से बिजनेस का नंबर यहाँ पे दे देना है। तो अगर कोई कॉल करता भी तो आप बार बार परेशान नहीं होगे, आपको पर्सनल नंबर होगा तो लोग पर्सनल फालतू में परेशान करें, अलग से अपने बिजनेस नंबर यहाँ पे आपको डाल दें, वरना भाई आप अपना ईमेल भी डाल सकते हो। तो कुछ नहीं भाई आपको सेटिंग दिख रही है कि जैसे कि अगर आप इसे ऑफ कर देते हो ना तो आपको जो कॉन्टैक्ट है ना किसी को शो नहीं होगा, आप इसे ऑन कर देते हो तो आपको जो कॉन्टैक्ट है सबको शो होगा। तो कुछ नहीं भाई यही बता रहे कि आपने भाई इसे इनेबल कर दिया है, तो यही कि आपको जो कॉन्टैक्ट है सबको शो होगा। अब लोग पूछेंगे भाई ये कब लिखा हुआ था, तो देखो ये तब लिखा हुआ था जब एडिट प्रोफाइल में जाते हो ना, जब आप अपने कॉन्टैक्ट वगैरह डालते हो कॉन्टैक्ट ऑप्शंस में, ठीक है, तो यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट को डाल देते हो। पर यहाँ पे एक और सेटिंग रहती है प्रोफाइल डिस्प्ले, अगर आप प्रोफाइल डिस्प्ले पे क्लिक करके इन दोनों को ऑन करते हो तो भाई इससे लगा ऊपर वाला तो छोड़ो उसका अभी बात नहीं कर रहा, पर बात करें कॉन्टैक्ट इन्फो की, तो जब आप इसे इनेबल करोगे ना तो आपको इसका शो होगा कि आपने अपने कॉन्टैक्ट को लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। तो भाई इससे क्या रहता है कि कभी कभी कुछ फालतू लोग भी आते हैं जिनकी भाई ज़रूरत नहीं रहती, लोग आपको परेशान करते हैं, उससे ये रहेगा कि कुछ आपको इस टाइप के भी आएंगे। तो इंस्टाग्राम को बस एक बार बताना चाहते हैं कि आपने इनेबल कर दिया और कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये कि कुछ कुछ लोग परेशान करने भी आते हैं, तो इसलिए इंस्टाग्राम आपको एक बार बता रहा था बस, और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक पर। फिर भी आपको अगर इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ और टॉपिक पर कुछ पूछना है, जानना है, बताना है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना फिर आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, सर्च में प्रोफाइल स्क्रीन पर देख रहे होगी। सो आप वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो में।